सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे पे उनकी जो रीत चलाई हुई है लंगर की, लंगर वाली दाल बनाएंगे। बट देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। दिस लंगर वाली रेसिपी इज इन कमिंग फ्रॉम मी, इट्स कमिंग फ्रॉम माय मॉम। इंट्रो के बाद मम्मी आ जाएंगी, एंड तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनके यूज़र नेम यहाँ पे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। अब इंट्रो के बाद मिलते हैं। आप सभी को लंगर वाली दाल देने के लिए, आप सबके लिए गेस्ट और मेरी बेइज्जती करने के लिए मम्मी आ रही हैं। तो मॉम इज हेयर, अब वो लंगर वाली दाल की रेसिपी देंगी। तो हैंडिंग ओवर टू मॉम, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा हूँ। सब्जियाँ वगैरह मैंने काट रखी हैं, दाल भिगो रखी है, सो मतलब धो रखी है दाल। अब मम्मी बताएंगी क्या करना है। मम्मा बताओ। सत श्री अकाल सभी श्रोतियानु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी बनावांगे गुरु नानक बर्थडे जी देव जी दे बर्थडे ते, गुरु नानक देव जी दे बर्थडे ते लंगर वाली दाल जिहड़ी उन्होंने सानू बख्शिश कीती सी। सब तो पहला असी लवांगे 7 कटोरी पानी कुकर दे विच। 7 कटोरी पानी हम कुकर में लेंगे। 7 कटोरी पानी 1.5 कटोरी दाल के लिए, 1 कटोरी उड़द छिलका और आधा कटोरी चना धुली हुई। तो चना दाल धुली हुई। तो हमने 7 कटोरी पानी ले रखा है, ये बॉयल आ गया है इसमें। अब मम्मा इसमें क्या क्या डालना है? इसमें दाल पहले बॉयल लाने के बाद ना, बॉयल आने के बाद सारे तो इस पहला इस पावांगे अपा नमक 1.5 टीस्पून। अब मम्मा नमक डालने के बाद क्या डालना है? इसमें डालनी है हल्दी। ओके, 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्च, होने दे जाएगा 2 चम्मच घी। अब इसमें 2 चम्मच घी। मम्मा आप मुझे बताते रहो, मैं डालता रहूँगा। हल्दी और मिर्ची छोटे 1.5 चम्मच, उसके बाद थोड़ा घी। अब मम्मा आप क्या करना है? हम इसका ढक्कन बंद कर दो। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। अब इसको विसल आने तक तेज पे, अब इसको विसल आने तक तेज पे, उसके बाद स्लो। कितनी देर? कम से कम 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट स्लो। और हम इसको दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये हमारी वर्किंग हैम्पर ना करे, और ये तेज पे पकेगा जब तक विसल नहीं आ जाता, और उसके बाद स्लो पे 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। अब मम्मा तड़के की तैयारी। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है सी। हमने सब तो पहला पावांगे घ्यो। घ्यो जिम्मे मैं कहना अन्ने वा। अब मम्मा घी में क्या जाएगा? पहले जाएगा जीरा, 2 चम्मच जीरा। मम्मा जीरा डालने के बाद क्या डालना है? इसमें प्याज। प्याज जाएंगे। अभी जीरा भुन रहा है, तब तक मैं बता भी देता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे ना हमारे गुरुद्वारे में आज, मतलब हमारे पड़ोस वाले गुरुद्वारे में पूर्णमासी वाले दिन ना यहाँ पे सारी लेडीज मिलके सुखमनी साहब का पाठ करती थी, और उस दिन फिर लंगर भी होता था। तो मेरी मम्मी की ड्यूटी होती थी दाल की। तो अब मम्मी की जब इतनी पसंद है सबको, तो मैंने सोचा वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। अब जीरे ने हमारे ने रंग बदल लिया, और कुकर महाशय ने भी सीटी मार दिया। अब गैस स्लो कर देंगे। जीरे ने रंग बदल लिया, उसके अंदर जाएंगे प्याज, और ये मेरी मम्मी का लकड़ी वाला स्पूचला। तो ये स्पूचले की एक्चुअली ये स्टोरी है कि मम्मी को वैसे पता है कि स्पैचुला बोलते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी मम्मी ना इसको वो अपनी पंजाबी टच देने के लिए, मजाक करने के लिए इसको बोलती है स्पूचला, और मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, इसीलिए मम्मी के साथ अब मजाक में स्पूचला। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम डालेंगे जिंजर, मम्मी के कहने की तरह जिंजर और ग्रीन चिली।
अदरक के साथ हो ना, मेरी भी बहुत एक मतलब मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मम्मी को अच्छी लगती है, वो एक याद जुड़ी हुई है। मैं एक बार अदरक वाली चाय बना रहा था, मम्मी बता दो अब किस्सा। इसने पहली बार चाय बनाई, सबने बोला अदरक वाली चाय बनाओ, तो इसने जितना भी अदरक पड़ा था घर में 100 ग्राम 50 ग्राम सारा चाय में डाल दिया। पतीले में अदरक ही अदरक दिख रहा था, चाय कम दिख रही थी। मेरे साथ ये हो रखा है। और मम्मी ना मतलब अब देखो, माएँ होती हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की गलतियाँ ढकती हैं। मेरी मम्मी बीइंग माय मम्मी हर जगह जाके बताएंगी कि अदरक तो अंध, मतलब इतना अदरक, ऐसे बताती है मम्मी। दाल ऑलमोस्ट डन है हमारी, बस तड़का जब तक रेडी होगा तब तक दाल भी बन जाएगी हमारी। लंगर वाली दाल के लिए ना वैसे कोई मेजरमेंट्स नहीं होती कि भाई इतना प्याज ले लो, इतना कुछ भी ले लो, ये एक्चुअली अंदाजे से बनती है और प्रेम से बनती है। प्रेम जितना डाल लोगे उतनी स्वाद बनेगी, श्रद्धा जितनी डाल लोगे उतनी स्वाद बनेगी। तो श्रद्धा, प्रेम एंड थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अंदाज़ा, कोई मेजरमेंट्स नहीं। हाँ, साडा प्याज और ग्रीन चिल्ली ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई है। ओके, हुण असीं इहदे च पावांगे गरम मसाला, धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च कलर के लिए। हुण जाएंगे इहदे च टमाटर। तो टमाटर मैंने चॉप कर रखे हैं, रफली चॉप करें। वैसे मैं हर रेसिपी में बोल देता हूँ कि इसमें आपको फाइन चॉप चाहिए, प्यूरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट इसमें कोई फिनिश की जरूरत नहीं है। आप रफली चॉप करके डाल सकते हैं, जब ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर पकेंगे, उसके बाद मसाला हमारा तड़का डन होगा, दाल इंटू दी तड़के। दाल पकते को 20-25 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है, तड़का हमारा ऑलमोस्ट डन है। जैसे ही तड़का डन होगा दाल तड़के में डाल देंगे। तड़का पकाते हुए स्पैचुला से ही अपना जो टमाटर है वो मैश करते रहें। तड़का हमारा हो गया तो दाल में ही डाल लेंगे तड़का। तो ये दाल हमारी हो गई है, अब दाल में ही तड़का डाल लेंगे हम। मम्मा तड़का डाल दिया दाल में, अब क्या करना है इसको? इसको 5-6 मिनट पकाते रहो, दाल और तड़के में मिक्स करते करते हलाते रहो। अब इसको 5-6 मिनट हम तड़के के साथ पकाते रहेंगे स्लो आंच पे, और हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब तक दाल को आ रहा है उबाला, मैं रोटियां बना लेता हूँ। तो जी, लंगर वाली दाल तैयार है, अब आपने क्या करना है वो बताएंगी मम्मी। अच्छा जी, हुण दाल तैयार हो गई है। सत श्री अकाल, तुसीं हुण इहनू लाइक करना है, डिश बनाउणी है, फेसबुक पेज ते पाउणी है, लाइक करना है, ते शेयर करना है, ते सब्सक्राइब भी करना है। सत श्री अकाल, थैंक यू, सत श्री अकाल एंड हैप्पी कुकिंग।